बिग बॉस ओटीटी 3 का ग्रैंड आगाज हो चुका है। शो के नए होस्ट अनिल कपूर ने घर में कुल 16 कंटेस्टेंट्स को एंट्री दी है। इस बार ये कंटेस्टेंट्स थोड़े खास हैं और बाकियों से अलग हैं। इस लिस्ट में शिवानी कुमारी भी हैं, जो उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के एक छोटे से गांव अयारी में से मुंबई आई हैं। शिवानी सोशल मीडिया पर अपनी दिनचर्या को दिखाते हुए वीडियो बनाती हैं। अपनी इस सादगी और देसी बोली के लिए उन्हें इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वहीं यूट्यूब पर 2 मिलियन से ज़्यादा लोग उनकी वीडियो देखना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ही पॉपुलर नाम हैं जो शिवानी को गवार बता रहे हैं। बिग बॉस में शिवानी कुमारी की एंट्री और उनकी सादगी शो देखने वाले लोगों को पसंद आई है। सोशल मीडिया पर तो उन्हें मनीषा रानी का नया वर्जन बताया जा रहा है, तो वहीं कुछ तो उन्हें शहनाज गिल बता रहे हैं। लेकिन पॉपुलर गेमर मैक्सटर ने शिवानी कुमारी को गवार बता दिया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपनी बोली में कहते हैं कि शिवानी अपने छोटे जाति के होने का मुद्दा बनाती हैं। गवार लड़की है एकदम, मैक्सटर्न ने बोला। मैक्सटर्न के इस वीडियो पर कई यूजर शिवानी के समर्थन में खड़े आए हैं। मैक्सटर्न के इस वीडियो पर कई यूजर शिवानी के समर्थन में सामने आए हैं। मैक्सटर्न को शिवानी की तरफ से जवाब देते हुए एक यूजर ने दोनों के वीडियोस पर आए व्यूज का स्क्रीनशॉट भेजा है। साफ देखा जा सकता है कि व्यूज के मामले में शिवानी आगे निकल गई हैं। लेकिन मैक्सटर्न ने भी अपनी कमाई का आंकड़ा शेयर करते हुए बताया कि कितनी कमाई कर रहे हैं। मैक्सटर्न के इस वीडियो पर कई यूजर्स नाराज हो गए हैं और गवार जैसे शब्दों की निंदा कर रहे हैं। कई ने लिखा कि एल्विश को तुझे 2-4 थप्पड़ और लगाने चाहिए थे, तो वहीं एक यूजर ने तो एल्विश से लड़ाई का मुद्दा उठाते हुए कहा, तुझे एल्विश ने सही धोया था, तू इसी लायक है। आपको बता दें कि मैक्सटर्न ने पहले बताया था कि वो भी बिग बॉस ओटीटी में जा रहे हैं, लेकिन खबरों के मुताबिक उन्हें वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित से रिप्लेस कर दिया गया।